नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। दारा एनकाउंटर का यह फैसला, सभी आरोपी हुए बरी, 12 साल पुराना है मामला। अमिताभ बच्चन की हुई तबीयत खराब, जोधपुर में कर रहे हैं शूटिंग, मुंबई से पहुंचे डॉक्टर। पुलिस कर्मियों का हुआ सम्मान, हत्या के आरोपी को दिलवाई मौत की सजा। और शादी समारोह में पार हुए 6.5 लाख रुपए चोरी की वारदात, हुई कैमरे में कैद। जयपुर प्रदेश में 23 अक्टूबर 2006 में हुए दारा सिंह उर्फ दरिया एनकाउंटर केस में सेशन कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुना दिया। एडीजी कोर्ट संख्या 14 ने 1000 पेज के फैसले में सभी 14 आरोपियों को बरी कर दिया है। जज रमेश जोशी ने फैसले में आरोपियों को धारा 120, 302, 420, 120 बी में बरी किया है। इस केस में पिछले महीने अंतिम बहस पूरी हो चुकी थी। मुकदमे में एक आईपीएस सहित 13 पुलिस अधिकारी और एक कर्मचारी ट्रायल पर सामना कर रहे थे। इसमें एडीजे ए पन्नू चामी, एडिशनल एसपी अरशद अली, इंस्पेक्टर राजेश चौधरी, सुभाष गोदारा, निसार खान, नरेश शर्मा, सब इंस्पेक्टर जुल्फिकर, अरविंद भारद्वाज और सुरेंद्र सिंह आरोपी थे। गौरतलब है कि 12 साल पहले जयपुर में पुलिस की कथित मुठभेड़ में दरिया की मौत हो गई थी, जिसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। 12 साल बाद आज अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी 14 आरोपियों को बरी कर दिया है। फिल्म की शूटिंग कर रहे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की तबीयत अचानक खराब हो गई। उनकी तबीयत खराब होने से उनके फैंस को बहुत बड़ा झटका लगा है। अमिताभ बच्चन जोधपुर में फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग कर रहे हैं। उन्होंने सुबह 3 बजे तक फिल्म की शूटिंग भी की, इसके बाद 5 बजे नाश्ता भी किया। उन्हें पेट में तेज दर्द होने की शिकायत उठी। अमिताभ ने सुबह लिखे अपने ब्लॉग में खुद यह जानकारी अपने फैंस के साथ शेयर की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ अपना इलाज जोधपुर में ही कराएंगे। वैसे उन्होंने मुंबई से अपने डॉक्टर्स को भी बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक अमिताभ अपने होटल में रुके हुए हैं और आराम कर रहे हैं। दूसरी ओर मुंबई से डॉक्टर अमिताभ के इलाज के लिए स्पेशल विमान से जोधपुर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि बिग बी की तबीयत बिगड़ने का कारण बढ़ते तापमान में लगातार शूटिंग करना है। फिल्म में युद्ध के सीन में भारी भरकम कॉस्ट्यूम के कारण उन्हें थकावट महसूस हुई। मीडिया में खबर फैलने के साथ ही बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक जोधपुर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर प्रशंसकों की भीड़ लगी रही, काफी लोग उनके होटल के आसपास भी जमा हो गए। बिग बी जोधपुर में अपनी अपकमिंग फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ आमिर खान भी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म ठगों और उनके किस्सों को बयां करती है। बीकानेर में एक शादी समारोह में उस वक्त रंग में भंग पड़ गया जब एक चोर दूल्हे के पिता का बैग पार करके ले गया, जिसमें 6.5 लाख रुपए थे। यह घटना कैमरे में कैद हो गई, लेकिन शातिर अभी पकड़ से बाहर है। बीकानेर निवासी राजेंद्र सिंह तंवर की बेटी की रविवार को शगुन पैलेस में शादी थी। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे थे, आशीर्वाद कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान बेटी को आशीर्वाद देने के लिए राजेंद्र सिंह स्टेज पर गए। उन्होंने कंधे पर लटका बैग किनारे पर रख दिया। बैग में 6.5 लाख रुपए थे। उनका मुंह स्टेज की तरफ था, तभी एक चोर पीछे से आया। बड़ी ही चतुराई से उसने रुपयों से भरा बैग उठाया और वहां से चंपत हो गया। चोर के बैग पार करने के कुछ ही मिनट में राजेंद्र सिंह पीछे मुड़े तो देखा तो उनका बैग वहां नहीं था। उन्होंने इधर उधर भी तलाश किया, लेकिन बैग नहीं मिला। थोड़ी देर में सभी लोग बैग तलाशने लगे, लेकिन बैग नहीं मिल पाया। बैग चोरी होने की सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने शादी का वीडियो देखा तो उसमें बैग चोरी का राज खुल गया। ये फोटो
चोर ने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। वह काफी चतुराई से बैग उड़ा कर ले गया। पुलिस के अनुसार चोरी करने वाले युवक को यह जानकारी पहले से थी कि बैग में पैसे हैं। हालांकि शादी में आए लोगों में से किसी ने भी उसे नहीं पहचाना। पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस की सक्रियता और आमजन की हिम्मत और तालमेल किस तरह अपराधियों को सजा दिलाने में कामयाब रहे, यह देखने को मिला बहरोड में, जहां एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या किए जाने वाले आरोपी को अदालत ने मौत की सजा सुनाई। इस फैसले से पुलिस विभाग का मनोबल भी बढ़ा और आमजन में न्याय के प्रति विश्वास। अलवर पुलिस कप्तान ने उन पुलिस अफसरों को सम्मानित भी किया जिन्होंने इसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर सजा दिलवाई। मामला मार्च 2016 का है, जब बहरोड में कुख्यात बदमाश प्रसन्ना और परा ने व्यापारी घनश्याम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस को इस गुत्थी को सुलझाना किसी चुनौती से कम नहीं था। आखिर पुलिस ने परा को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि आम जन में भय मुक्त वातावरण बने इसके लिए परा के खिलाफ गवाहों को तैयार करना और मजबूत साक्ष्यों के साथ चार्जशीट दाखिल करना, जिससे अदालत ने परा को मौत की सजा सुनाई। उस दौरान तैनात एएसपी तेजपाल सिंह, सीआई रणजीत सिंह सेवदा, महावीर सिंह शेखावत का एसपी राहुल प्रकाश ने सम्मान किया और अदालत के फैसले की सराहना की। इस दौरान डीएसपी जनेश सिंह तंवर भी मौजूद रहे। यहाँ का एक कुख्यात अपराधी था और उसके द्वारा यहाँ पे एक व्यापारी घनश्याम अग्रवाल जी की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी और लूट करने के पैसे लेने के उद्देश्य से। उस प्रकरण में आज उसको माननीय न्यायालय के द्वारा फांसी की सजा दी गई है और इस तरह की सजा देने से जहां पूरे समाज में एक तरफ सुरक्षा का वातावरण बनता है, विश्वास बनता है पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के प्रति, वहीं दूसरी तरफ पुलिस का भी मनोबल बढ़ता है। आज हमने विशेष तौर पे यहां पे अपने तेजपाल जी एडिशनल एसपी साहब का सम्मान किया है, जो कि यहाँ पे सीओ बहरोड उस वक्त हुआ करते थे। रंजीत सेवदा जी का हमने सम्मान किया जो कि यहाँ पर एसएचओ थे उस वक्त। इस पूरे घटनाक्रम में गिरफ्तारी करने और चार्जशीट इन्होंने पेश की थी। महावीर सिंह जी का किया जो कि केस ऑफिसर स्कीम के तहत स्वयं इसकी पैरवी कर रहे थे प्रकरण की, और इसके साथ साथ विक्रम एसआई जिन्होंने की प्रारंभ में केस ऑफिसर के तौर पर इसमें काम किया है, और हमारे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उनका आभार भी यहाँ पे व्यक्त करने के लिए मैं आया था, और साथ में हम सभी लोग मिलकर के माननीय न्यायालय का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इस प्रकार के निर्णयों से समाज में और पुलिस में जिस तरह का विश्वास और जिस तरह का अपराधियों के प्रति एक माहौल बन रहा है और अपराधियों में जो खौफ पैदा हो रहा है उसकी हम सराहना करते हैं। मार्च फर्स्ट वीक में विधानसभा सत्र चल रहा था 2016 में, उस समय हत्या हुई थी और रणजीत जी उस समय इंचार्ज थे यहाँ पर। तो ऑब्वियसली बात है, एक मतलब दिन दहाड़े हत्या होना तो उससे एक माहौल बनता है और लोगों में एक भय का माहौल बनता है। तो आज जो निर्णय हुआ है इसको बिल्कुल हम सब लोग एक बार वार्ता करने के लिए इसलिए हम भी आए यहाँ पर, इसलिए बहुत एक अच्छा मैसेज गया है और आमजन में विश्वास, अपराधियों में खौफ कायम होगा। प्रसन्नदीप पर्रा का पैरोल में इतना आतंक था कि मौके पे गए तो कोई बताने को तैयार नहीं था कि गोली किसने मारी। मतलब आधी घंटा थी इस बात के लग गई कि पता करने में कि किसने गोली मारी, फिर उसके बाद इसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी मुश्किल से परिजनों और आस पड़ोसियों को करके उनको गवाह के लिए एग्री किया, उनके बयान किए कि उन लोगों का भी जो गवाह हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत मैं इसमें आभार व्यक्त करूँ कि उन्होंने अपराधी के खिलाफ बेखौफ होकर गवाही दी और उसकी वजह से आज ये उसको आजीवन कारावास की सजा, उनका आजीवन कारावास और एक को फांसी की सजा हुई है। अलवर जिले के खैरतल कस्बे में हुई लूट और हत्या का आरोपियों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। इसे लेकर व्यापारियों में पुलिस के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 दिनों से व्यापारियों ने हथियारों की मांग करते हुए बाजार भी बंद रखे, लेकिन अभी तक पुलिस हथियारों का सुराग नहीं लगा पाई। खैरतल की महावर धर्मशाला में व्यापारियों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। मामला खैरतल का है, जहां लूट के इरादे से आए बदमाशों ने व्यापारी मुकेश अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 10 मार्च को हुई मुकेश की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। व्यापारियों का आक्रोश पुलिस पर फूट पड़ा, यहां तक कि पुलिस कर्मियों को वहां से भागना पड़ा। व्यापारियों द्वारा 3 दिन में हथियारों को गिरफ्तार करने की मांग रखते हुए बाजार भी बंद रखे, लेकिन पुलिस हथियारों तक आज तक नहीं पहुंच पाई। गुस्साए व्यापारियों ने मंगलवार महावर धर्मशाला में खैरतल में बैठक कर 3 दिन की मोहलत पुलिस को और दी है, अन्यथा 16 तारीख से आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस दौरान व्यापार महासंघ अध्यक्ष ओम प्रकाश रोगा, संरक्षक अशोक डाटा, महंत शशिभूषण कल्याण मिश्र सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। आज का निर्णय हमारा पहले की तरह है कि जो हमारी मांगे हैं
जो खेत के साथ अन्याय हुआ है वो हत्यारे नहीं पकड़े गए हैं, तो हमारा विरोध तो है और जब तक हत्यारे नहीं पकड़े जाएंगे फैसल चैन से नहीं बैठेगा। पर क्योंकि लगातार तीन दिन से पहले और आज चौथा दिन है जब पान की दुकान और चाय तक बंद है, इस बात को देखते हुए कि आम मजदूर की दिक्कत है, खाने पीने के सामान की दिक्कत है, दूध की दिक्कत है, इसलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि कल से तो बाजार पूर्ण रूप से खुल ही जाएगा। आज भी जो खाने पीने की चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, अगर उनके लिए कोई व्यापारी दुकान खोलना चाहता है तो शहर के हित में, आम मजदूर के हित में, आम आदमी के हित में हमने फैसला किया है कि आज से दुकान जो खोलना चाहे वो खोल सकता है, लेकिन कल से पूर्ण रूप से खुल जाएगा। लेकिन ये हमने एक वक्त दिया है प्रशासन को, आने वाली 16 तारीख को दोबारा यहीं पर हम सब भाई, जिसमें हम सब व्यापारी होंगे, भाई साहब अशोक जी होंगे और पूरा शहर के लोग होंगे, शाम को 5 बजे 16 तारीख को यहीं बैठेंगे, इस बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, आगामी निर्णय लिया जाएगा और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री साहिबा तक भी जाना पड़ा या उससे भी आगे जाना पड़ा या बंद को अनिश्चितकालीन करना पड़ा तो हम करेंगे, क्योंकि सबको बहुत तकलीफ है, बहुत आक्रोश है और खैरदल पुलिस अब तक इस मामले में खाली हाथ है, ये भी बहुत तकलीफ की बात है। क्राइम तो बढ़ा बढ़ा, उसका खुलासा भी नहीं हो रहा, ये चीज हमको चैन से बैठने नहीं देगी और इस मामले को हम जरूरत के हिसाब से आगे ले जाएंगे। उसका निर्णय अभी ये हुआ है कि पुलिस प्रशासन में बराबर दबाव बनाया जाएगा और पुलिस के ऊपर ये कहा गया है कि जो 72 घंटे के अंदर उनको आश्वासन दिया था आम नागरिकों को, तो 72 घंटे का इंतजार किया जा रहा है, बाकी का आगामी निर्णय जो शनिवार जो आ रहा है उस दिन बैठ करके किया जाएगा कि आगामी व्यूहरचनाएं क्या रहेगी। व्यापारियों ने सबने एकजुटता दिखाई है और प्रशासन पर पूर्ण रूप से दबाव बनाए रखा है और आगे भी बना रहेगा। सिर्फ 4 दिन हो गए, पूरा मार्केट बंद है, सभी की सहमति से ये निर्णय लिया गया है कि हम कल से मार्केट खोलेंगे, उसके बाद हम 16 तारीख को शाम को व्यापार महासभा की मीटिंग होगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा और आगामी जो पुलिस कार्रवाई हुई है उसके बारे में वहाँ पूछा जाएगा आला अधिकारी। खबरें अभी और भी हैं, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन निजी क्षेत्र में न सिर्फ अलवर अपितु राजस्थान का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। IIT ग्रुप एस्टैब्लिश्ड इन 1998 बाय डॉक्टर वीके अग्रवाल एंड डॉक्टर मंजू अग्रवाल। IIT ग्रुप में आज 2 इंजीनियरिंग कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज संचालित है जो AICTE भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और RTU कोटा से एफिलेटेड है। IIT ग्रुप द्वारा BTech, MTech, MBA, MCA, B-Pharma व M-Pharma कोर्सेज संचालित किए जाते हैं। 400 से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी एंड वेल मैनेजमेंट द्वारा बच्चों का भविष्य संवारा जाता है। कैंपस प्लेसमेंट के लिए 60 से ज्यादा कंपनीज IIT ग्रुप में आ चुकी हैं। IIT ग्रुप में गर्ल्स व बॉयज के लिए अलग अलग हॉस्टल फैसिलिटी, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड इंटरनेट की सुविधा के साथ साथ सिक्योर एनवायरमेंट भी उपलब्ध है। कैंपस में ही बैंक, ATM, पोस्ट ऑफिस की भी सुविधा है। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ग्रुप चेयरमैन को तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा गुणीजन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, आर एड्रेस नॉर्थ एक्सटेंशन MIA अलवर, आर टोल फ्री नंबर 1800120 6122। क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर स्मार्ट सिटी अलवर में अब क्योरवेल डायग्नोस्टिक लाए हैं सभी प्रकार की जांच के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वो भी अनुभवी टीम के साथ। 4D अल्ट्रासाउंड हो या कलर डॉपलर या हो कार्डियोग्राफी, इसके साथ साथ क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर पर अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। डिजिटल एक्सरे हो या रंगीन सोनोग्राफी, वीडियो ECG हो या थायराइड जांच और ब्लड की सभी तरह की जांच भी लेटेस्ट तकनीक से की जाती है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर शक्ति सिंह भी अपनी सेवाएं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर पर दे रहे हैं। जांच रिपोर्ट में विश्वास का ही नाम है, क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर। अब कालाकुआ में भी ब्रांच की शुरुआत की जा चुकी है, यहाँ भी तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। हमारा पता है 1/25 अरावली विहार, कालाकुआ, अलवर। मोबाइल नंबर 8505000166। हेड ऑफिस क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर, लखंडा वाला कुआं, बिजली घर का चौराहा, अलवर। मोबाइल नंबर 9024186186।
ब्रेक के बाद फिर नजर हेडलाइंस पर। दारा एनकाउंटर का यह फैसला, सभी आरोपी हुए बरी, 12 साल पुराना है मामला। अमिताभ बच्चन की हुई तबीयत खराब, जोधपुर में कर रहे हैं शूटिंग, मुंबई से पहुंचे डॉक्टर। पुलिस कर्मियों का हुआ सम्मान, हत्या के आरोपी को दिलवाई मौत की सजा। और शादी समारोह में पार हुए 6.5 लाख रुपए चोरी की वारदात, हुई कैमरे में कैद। चेटीचंड महोत्सव के तहत सिंधी समुदाय की ओर से एक शाम झूलेलाल नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सिंधी समाज के नामी कलाकार परमानंद प्यासी के सिंधी भजनों और गानों पर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। इस दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया गया। प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम एक शाम झूलेलाल के नाम में सिंधी समाज के गणमान्य लोगों ने शिरकत की। वहीं गायक परमानंद प्यासी ने अपने भजनों से समा बांध दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ रामगढ़ विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उन्होंने सिंधी संस्कृति भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं इंद्र कुमार तोलानी, सुरेश वाघवानी, हितेश ठाकुर मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता मोहनदास वाघवानी थे। तो इस सृष्टि पर सबसे पहली सभ्यता, सबसे पहली संस्कृति, सबसे पहली सुसंस्कृत भाषा जिसके 56 अक्षर हैं, पूरे विश्व में किसी भी देश की किसी भी लिपि में 56 अक्षर नहीं है। सिर्फ भारतीय संस्कृति की पहली, विश्व की पहली संस्कृति, विश्व की क्या सृष्टि की, ब्रह्मांड की, भारतीय सिंधु सभा, भारतीय संस्कृति जो सिंधु संस्कृति के नाम से पहचानी गई, उसके बाद चीन की और फिर यूनान की, 56 अक्षरों सहित, लिपि सहित यह सभ्यता जो विश्व में पनपी आगे बढ़ी, सिंधु घाटी की सभ्यता आज भी प्रसिद्ध है। बहुत सारा वृत्तांत मैं कर सकता हूँ भारतीय सिंधु और सिंधु समाज के बारे में, सिंधी समाज के बारे में, लेकिन आज संक्षेप में मेरा इतना ही कहना है, हमारा सौभाग्य है कि सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से हिंदू स्थान बना, इसलिए संपूर्ण संस्कृति को समेटे हुए आज का यह भगवान झूलेलाल के नाम का कार्यक्रम हमारे श्रद्धेय श्री परमानंद जी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम, और यहाँ सिंधी जागृति संगठन के हमारे श्री ठाकुरदास जी, हमारे सुरेश सद्दानी, हमारे रमेश नारवानी और हमारे अर्जुनदास तख्तानी सहित पूरी टीम, देख रहे हैं आप जवानों की टीम है, और एक रंग में है, वो रंग है भगवा, भगवा संस्कृति की यह सभ्यता, यह सिंधु की सभ्यता, यह सिंधु नदी के जो विश्व की उस नदी को कोई लेकर के नहीं गया, स्वयं कैलाश मानसरोवर सरोवर से निकल कर और मानसरोवर झील में समाते हुए और जाकर के सिंधु मुख कहते हैं लद्दाख में, और वहाँ सिंधु सभा, सिंधु नदी का उद्गम स्थान है, उसके बाद कारगिल, उसके बाद पूरे और पंजाब होते हुए सिंध में जाती है। मेरी जिंदगी में पहली बार अलवर की नगरी में और इस शानदार ऑडिटोरियम, प्रताप ऑडिटोरियम हॉल में मेरे समाज के सिंधी भाइयों ने चेटीचंद के उपलक्ष्य में इतना शाही प्रोग्राम रखा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सच में आज एक स्वर्ग की अनुभूति कर रहा हूँ। आने वाली पीढ़ी को और महिलाओं को क्या संदेश देंगे आप इस मंच के माध्यम? महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को एक ही मेरा अर्ज है, जो संदेश मैं देना चाहूँगा कि यही महिलाएं, ये हमारी बेटियाँ, ये हमारी घर की जो भी बहुएं हैं, उन्हीं पर पूरे घर को संस्कार की सरिता है, वो उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के माध्यम से संस्कार पैदा होते हैं हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में, जो दूर दूर तक पहुंचते हैं। इसलिए मैं कहूँगा मेरे समाज की माताओं और बहनों को कि हमेशा इसी तरह अपना संस्कारों की नदी में से डुबकियां हम सबको लगवाती रहें। धन्यवाद। बहरोड राजमार्ग 8 पर डंपर और कंटेनर की भीषण टक्कर में कंटेनर चालक के केबिन में फंस जाने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आधे घंटे की भारी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और उसे अस्पताल पहुंचाया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर यह हादसा सामने आया जब रोड़ियों से भरे डंपर में पीछे से कंटेनर ने टक्कर मार दी, जिसमें चालक कश्मीर सिंह निवासी सतारगंज उत्तराखंड कंटेनर के केबिन में फंस जाने से गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी मिली। इस दौरान हाईवे पर यातायात जाम हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत से चालक को बाहर निकाला और यातायात
सुचारू करवाया। भारत भ्रमण पर आई अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन मंगलवार को राजस्थान के जोधपुर में घायल हो गई। सोमवार को वे पश्चिम मध्य प्रदेश की यात्रा पर थी। यहां प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मांडू का भ्रमण किया। इसके बाद मंगलवार सुबह इंदौर गई, वहां से वह विमान से जोधपुर पहुंची। इससे पहले मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मांडव के दौरे पर हिलेरी क्लिंटन सोमवार को ऐतिहासिक होशंगा शाह के मकबरे की सीढ़ियां उतरते समय दो दफा फिसल गई थी। इस घटना का एक वीडियो भी व्हाट्सएप पर वायरल हुआ। हिलेरी क्लिंटन सीढ़ियां उतरते वक्त अपने सैंडल की वजह से असंतुलित हो गई। वह एक बार नहीं बल्कि दो बार गिरते गिरते बची। वहीं उनके पैर में चोट लगने की सूचना है। इनके इलाज के लिए तुरंत डॉक्टरों की टीम भी मौके पर पहुंची। हिलेरी ने अपनी मांडव यात्रा के दौरान यहां के प्रसिद्ध स्मारकों जहाज महल, हिंडोला महल, होशंगा शाह का मकबरा और जामा मस्जिद का भी अवलोकन किया। हिलेरी यहां महेश्वर एवं इंदौर के पूर्व होलकर शासकों के वंशज रिचर्ड होलकर के निमंत्रण पर महेश्वर एवं मांडव की 3 दिवसीय यात्रा पर आई हुई है। छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद से प्रभावित सुकमा जिले में नक्सलवादियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर एंटी लैंड माइन व्हीकल को उड़ा दिया। इस घटना में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 9 जवान शहीद हो गए। इस मामले में 6 जवान भी घायल हुए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबरों के मुताबिक ये हमला उस वक्त हुआ जब CRPF की 212वीं बटालियन गश्त के लिए निकली थी। सुकमा के किस्तरम इलाके में घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने जवानों पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। CRPF के अधिकारियों ने बताया कि जिले के किस्टाराम थाना क्षेत्र में नक्सलवादियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर एंटी लैंडमाइन व्हीकल को उड़ा दिया। इस घटना में CRPF के 9 जवान शहीद हो गए, कुछ अन्य जवानों के घायल होने की भी सूचना है। अधिकारियों ने बताया कि आज CRPF के 212वीं बटालियन के जवान एंटी लैंडमाइन व्हीकल में सवार होकर रवाना हुए थे। जब वह किस्टाराम थाना क्षेत्र में थे, तब नक्सलियों ने एक शक्तिशाली विस्फोट से वाहन को उड़ा दिया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल को रवाना किया गया है। नक्सली हमले में शहीद हुए सैनिकों में एक जवान अलवर का भी शहीद हुआ है। अलवर जिले के मुंडावर तहसील के भनोत के सुंदरवाड़ी का जाबाज लक्ष्मण शहीद हो गया। गांव में खबर फैलते ही शोक की लहर छा गई। गौरतलब है कि पिछले ही दिनों छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना पुलिस ने मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया था। इसमें पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया था। चलते चलते एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दारा एनकाउंटर का आया फैसला, सभी आरोपी हुए बरी, 12 साल पुराना है मामला। अमिताभ बच्चन की हुई तबीयत खराब, जोधपुर में कर रहे हैं शूटिंग, मुंबई से पहुंचे डॉक्टर। पुलिस कर्मियों का हुआ सम्मान, हत्या के आरोपी को दिलवाई मौत की सजा। और शादी समारोह में पार हुए 6.5 लाख रुपए चोरी की वारदात हुई कैमरे में कैद। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।